तो बच्चों, फ्लाइंग टुगेदर, एक साथ उड़ना, ये आज की कहानी का शीर्षक है। देखिए, ये सारे गीज हैं पेड़ पर और ये बड़ा सा ट्री है। तो व्हाट आर सम ऑफ द थिंग्स योर पेरेंट्स एंड टीचर्स टेल यू टू डू ऑन टाइम? समय से करने को कहते हैं। गेट अप इन द मॉर्निंग, सवेरे उठो, डू द होमवर्क, होमवर्क करो, पैक योर स्कूल बैग पैक करो। तो ये कौन कहता है? हमारे माता पिता और हमारे टीचर्स कहते हैं ऐसा करने को। बड़ा पेड़ टॉल ट्री, और ऊपर नीचे है क्रीपर, बेल है छोटी सी, ये चश्मे वाला ओल्ड वाइज बर्ड, ये सारे गीज हैं और ये ब्रांचेस शाखाएं हैं। ये अब क्रीपर थिक एंड स्ट्रांग हो गई है, मोटी और मजबूत। ये हंटर शिकारी है और इसने देखिए नेट डाल दिया है, जाल डाल दिया है, और ये क्लाइम कर गया, ऊपर चढ़ गया, और ये ट्रैप हो गए हैं, नेट में फंस गए हैं और हेल्प हेल्प क्राई कर रहे हैं। और ये सरप्राइज्ड है, आश्चर्यचकित है, क्योंकि सारे पक्षी फ्लाई अवे यानी उड़ गए हैं। व्हाट हैपेंड, क्या हुआ? व्हेन यू डिडंट डू, जब आपने नहीं किया, एज दे आस्क यू टू डू, जैसा कि उन्होंने तुमसे करने को कहा। डीप इन ए फॉरेस्ट, गहरे जंगल में स्टूड ए वेरी टॉल ट्री, एक बहुत बड़ा पेड़ था। इट्स लीफी ब्रांचेस, इसकी पत्तेदार शाखाएं स्प्रेड आउट लाइक स्टॉर्म्स, मजबूत भुजाओं के जैसे फैली हुई थी। दिस ट्री वॉज द होम ऑफ ए फ्लॉक ऑफ वाइल्ड गीज के फ्लॉक का, झुंड का घर था ये पेड़। दे फेल्ट सेफ देयर, वहाँ उन्हें सुरक्षित महसूस होता था। वन ऑफ द गीज वॉज ए वाइज ओल्ड बर्ड, एक गीज बुद्धिमान और बूढ़ा पक्षी था। ही नोटिस्ड अ स्मॉल क्रीपर एट द फुट ऑफ द ट्री, पेड़ की जड़ पर उसने एक छोटा सा क्रीपर देखा। ही स्पोक टू द अदर बर्ड्स अबाउट इट, दूसरे पक्षियों से उसने इसके बारे में कहा। डू यू सी दैट क्रीपर, क्या तुमने ये बेल देखी? ही सेड टू देम, वह उनसे बोला। लेट अस डिस्ट्रॉय इट, चलो इसे डिस्ट्रॉय कर दें, नष्ट कर दें। व्हाई मस्ट वी डिस्ट्रॉय इट, हम क्यों इसे डिस्ट्रॉय करें? आस्क द गीज इन सरप्राइज, गीज ने सरप्राइज में, हंसों ने आश्चर्यचकित होते हुए बोला। इट इज सो स्मॉल, ये तो बहुत छोटी है। व्हाट हार्म कैन इट डू टू अस, हमें क्या नुकसान पहुंचा सकती है ये? माई फ्रेंड्स, मेरे दोस्तों, रिप्लाइड द वाइज ओल्ड बर्ड, बूढ़े बुद्धिमान पक्षी ने उत्तर दिया। दैट क्रीपर विल सून ग्रो, ये क्रीपर, ये बेल जल्दी बढ़ जाएगी। एज इट क्रीप्स अप द ट्री, चूँकि यह पेड़ में चढ़ रही है, इट विल बिकम थिक एंड स्ट्रॉन्ग, ये थिक मोटी और स्ट्रॉन्ग मजबूत हो जाएगी। व्हाट ऑफ दैट, तो क्या हुआ? आज द गीज, गीज बोले, हंस बोले। व्हाट हार्म कैन ए क्रीपर डू अस, हमारा क्या बिगाड़ सकती है कोई क्रीपर? डोंट यू सी, क्या तुम नहीं देखते? रिप्लाइड द वाइज बर्ड, बुद्धिमान पक्षी ने उत्तर दिया। विद द हेल्प ऑफ दैट क्रीपर, इस क्रीपर की मदद से, इट विल बी पॉसिबल फॉर समवन, किसी के लिए भी संभव हो जाएगा, टू क्लाइंब अप द ट्री, पेड़ में चढ़ना। ए हंटर कैन कम अप एंड किल अस ऑल, कोई हंटर आएगा और हम सबको मार देगा। लेट्स रीड, चलो पढ़ते हैं। वेयर डिड द गीज लिव, गीज कहाँ रहते थे? तो लिखेंगे द गीज लिव का लिव्ड हो जाएगा, डी जोड़ देंगे। द गीज लिव्ड इन अ टॉल ट्री, गीज एक बड़े पेड़ में। वाई डिड द ओल्ड बर्ड एडवाइस, बूढ़े पक्षी ने क्यों सलाह दी द अदर बर्ड्स, अन्य पक्षियों को, टू डिस्ट्रॉय क्रीपर, क्रीपर को डिस्ट्रॉय करने की, नष्ट करने की क्यों सलाह दी? क्योंकि ये क्रीपर एक दिन थिक एंड स्ट्रॉन्ग हो जाएगी और इससे कोई हंटर ऊपर चढ़ के हमें मार सकता है। प्रश्न का उत्तर देखिए। द ओल्ड वाइज बर्ड एडवाइज द अदर बर्ड्स, बिकॉज द क्रीपर विल सून बिकम थिक एंड स्ट्रॉन्ग एंड एनी वन कैन क्लाइम द ट्री एंड
kill us all. Question: Why did the geese cry help help? हंस क्यों चिल्लाए help help मदद करो मदद करो.